अच्छा जी, क्यों जी, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों जी सर, अब आपके साथ है तो कुछ तो अच्छा होगा हमारे साथ। वाह जी वाह, देख रहे हो लॉन्डो क्या बोल रहे हैं हमारे कुणाल भाई। सो गाइस वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू व्लॉग ऑफ टुडे प्रोडक्शन गाइस। और आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान साइकिल फेयर 2019 राइड एशिया, स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड बाय एवन एंड लॉट्स ऑफ मैनी कंपनीज आर देयर, मॉम्बो, फिनिक्स एंड मैनी मोर। मतलब यार ऐसी कंपनीज है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नेशनल ब्रांड्स और जो स्टेट ब्रांड्स भी, सारे आज यहाँ पर आए हैं। और बेसिकली पीछे हमारा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन उतर गया। आज हम अपने दोनों टीम मेट्स आए हैं हमारे, ये हमारे ड्यू का टॉपर, आप नहीं जानते उसको तो, हमारा पढ़ाकू बच्चा। और पीछे हमारा आधार कार्ड का केंद्र है, दिल्ली का सेंटर है। अगर आपको आधार कार्ड में कुछ करवाना तो यहाँ पे आके करवा सकते हो आप। आधार कार्ड निकलाना है, मैंने बनवाया था ना। अच्छा जी, निकलवा लो सर यहाँ पर आकर। तो अभी जा रहे हैं हम प्रगति मैदान में, ठीक है, वहाँ पर जाके आज साइकिल का फेयर लगा है। मतलब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आए हैं वहाँ पर, और वहाँ आपको बताएंगे कि मतलब साइकिल्स किस किस तरह की आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आपको वेरी चीपेस्ट रेट पे, मार्केट प्राइस के चीपेस्ट रेट में आपको यहाँ साइकिल प्रोवाइड होने वाली है। आप यहाँ पे ले भी सकते हो। बेसिकली आपको वीडियो लेट मिलेगी क्योंकि यार मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है अभी है नहीं मेरे पास। सो बेसिकली गाइस मिलते हैं आपसे अंदर अभी विजिटर्स के पास, पास लेते हुए। तो चलो चलते हैं अभी सीधा विजिटर्स के पास और फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे साइकिल्स के शॉट्स, और अंदर चलेंगे तो करेंगे मज़े ही मज़े। A few moments later. सामने ट्राई करना चाहते हैं। चलो जी सर करते हैं हम। लेट्स उतरिंग फ्रॉम द आइला शटल सर्विस। आओ जी, तो यहाँ पे शटल सर्विस है राइड एशिया की फ्री में, आपको मतलब मेट्रो स्टेशन से पिकअप करते हैं लोग और यहाँ छोड़ते हैं। बाकी हॉल नंबर ये है 11, जहाँ पे मेन साइकिल एक्सपो लगा है वो हॉल नंबर 11 है। और जो हॉल नंबर 12 और 12A है वहाँ पे आपको ई रिक्शा, बैटरी स्कूटर्स, बैटरी साइकिल और जितने भी सब जगह है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेंगे। लकी ड्रॉ भी आपका इसी उसमें होना है। पहले अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब जो ये लोग करेंगे करके देंगे खुद। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पर पहले आपको विजिटर्स पास बनाना पड़ेगा, इस टैबलेट में हमारे भाई करके देंगे पूरा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक लकी ड्रॉ का कूपन टाइप भी निकलेगा आपके लिए, अगर आप जीते तो आपको एक साइकिल भी मिल सकती है फ्री में। तो देख लेना बाकी आपका लक है, पर अब तो आप लोग आ नहीं पाओगे क्योंकि ब्लॉग तो बाद में डलेगा। तो बैठ पे वो लोग हमारे वरुण भाई को फ्री का ऐसी कार ले लो भाई, ले लिया विजिटर पास, ये रहा तुम्हारा। यार इन लोगों ने यूट्यूबर नहीं लिखा, विजिटर लिखा, बहुत गलत आता है। मैंने डेजिग्नेशन में जबकि यूट्यूबर कंपलसरी डाला था पर बड़े बेकार भाई। अब आपकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो लोग, क्या करते हैं? कोई नहीं भाई, करेंगे जल्दी करेंगे ये लोग। सुन दे विल्डो, और ये आ गए हम हॉल नंबर 11 में। ये साइकिल एक्सपो है पूरा यहाँ पर। अब स्कैनिंग करानी पड़ेगी हमें यहाँ पर आईपैड में अपने, इसकी भैया कर रहे हैं अभी हमारा हमारा अरे क्या जा रहा है भैया, प्रमोशन तो आप ही लोगों का हो रहा है, राइड एशिया का लॉकर बनाने आए हैं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा साइकिल ब्रांड है, सारे मल्टीपल साइकिल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल आपको सारे पार्ट्स मिल सकते हैं जो भी आपको साइकिल से रिगार्डिंग चाहिए। तो चलिए एक स्टॉल पे चलेंगे और फिर आपको बेसिकली दिस इज द साइकिल फेयर यहाँ पे जो प्रगति मैदान के अंदर लगा हुआ है। इस तरह के आपको बूट्स मिलेंगे यहाँ पे लगे हुए अलग अलग ब्रांड्स के, लाइक फिनिक्स हो गया, अपग्रेड हो गया, रोलर इंडिया, या फिर यहाँ पे स्टीवो आ जाता है, वहाँ पे यूनिकॉर्न बाइक आ जाता है, उसके यहाँ पे गैंग आ जाता है। अहोय का बहुत ही अच्छा मतलब सेटअप लगा पड़ा है यहाँ पे। अगर आप देखो तो हर किसी ब्रांड ने अपना अपना अलग तरीके से बना रखा है, हर तरीके से अपना शोकेस कर रखा है, हर किसी का अपना यूनिक कॉन्सेप्ट है साइकिल को डिस्प्ले करने का। और अहोय का जैसे देख सकते हैं आप, अहोय की सारी बाइसिकल्स हैं यहाँ पे, इनका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, हमने लाइन से उन्होंने बाइसिकल्स लगा रखी हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है इस बाइसिकल का, इस बाइसिकल में बेसिकली आपको करना क्या होगा, इस बाइसिकल जो है आपकी आपकी बैटरी से ऑपरेट होगी और मैनुअली भी ऑपरेट हो सकती है। जस्ट इसमें क्या है, एक आपको फ़ोन भी आप सेटअप कर लेते हैं गूगल मैप की तरह, यहाँ पे आपको टॉर्च मिल जाती है, मतलब जैसे इको फ्रेंडली बाइक है पूरी, आपकी सेहत को भी सुधार कर सकती है और आपकी सेहत को भी बना सकती है। नीचे आपको बॉटल स्टैंड मिल जाएगा बीच में, फिर यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीएनसन्स और ये सब के साइकिल पार्ट्स और भी अलग अलग तरीके के जितने भी चीज़ें सब आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी मतलब यहाँ पर। अदर देन दैट यहाँ पर आपके पास भी आ जाते हैं स्टीवो के, और यहाँ पे सारी साइकिल्स आपको देखने को मिल सकती है डिस्प्ले में। ये आपका ऑर्नाल्डो आपके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी कॉस्टिंग भी मतलब हर तरीके से रेफर कर सकती है, वेराई कर सकती है।
गाइस, ये है हमारा मेन सेगमेंट जीके बाइक्स का, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी, मतलब इको फ्रेंडली बाइक्स मिलेंगी, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा पैडलिंग सिस्टम के साथ साथ इको फ्रेंडली बैटरी सिस्टम भी, जो कि आप देख सकते हो इनकी बाइक का नाम है इको बाइक प्रो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका MRP 28,399 लगभग, और साइज़ जो है इसका वो 26 के आसपास, 27.5 का भी हो सकता है। बाकी बाइक आप देखो कितनी बेहतरीन और शानदार लुक में लग रही है। अगर आपको इसका पहले मैं फ्रंट पार्ट दिखाऊं, तो इसमें आपको है, जैसे बाइक्स में होता है नॉर्मली की सिस्टम है, की को ऑन करो ऑफ करो और यहां से फिर आप अपना इसको चालू कर सकते हो। ये आपका हॉर्न है जिसके आपको हॉर्न दबाओ। बाकी यहां पे गियरिंग सिस्टम्स हैं सारे बदलने के, थ्रॉटलिंग सिस्टम यहां पर है इसका, जैसे एक्सेलरेटर होता है बाइक में ऐसे, ये एक एक्सेलरेटर है। डबल डिस्क ये है, टॉर्च देख सकते हो रात के लिए, ये इसकी बैटरी है, ये डिटैचेबल है। वाओ, मतलब आप यहाँ पे की लगाओ और डिटैच कर दो इसको। तो सर इसका कितना टाइम कितना होगा चार्जिंग का बैटरी का? 2 से 3 घंटे। ओके, तो सर तो गाइज ये 2 से 3 घंटे में पूरी पूरी साइकिल चार्ज जाती है। सर कितने किलोमीटर चलेगी? सर एक चार्ज में 50 किलोमीटर तक की रेंज जाती है। वाओ, मतलब यार बहुत ही अच्छी बात है। आप इसे 5 बार चार्ज करो और आराम से हरिद्वार पहुंच जाओ यार, घूमने अगर किसी को जाना है इस बाइसिकल पे। तो बाकी इसके पैडलिंग आप देख लो, यहाँ पे भी चला के देखेंगे हम बाकी डबल डिस्क। तो गाइज अभी मुझे पता चला है एक और इसमें फीचर है कि जो आपका ये थ्रॉटलिंग सिस्टम है, आप एक्सेलरेटर बंद कर देते हो और आप जब नॉर्मल पैडलिंग करते हो तो इसका एक पैडल आपको 4 पैडल के फोर्स के बराबर देगा। मतलब आपकी बाइक एज कम्पेयर टू अदर बाइसिकल बाइक से तेज चलेगी इन कंपेरिजन टू पैडलिंग पे। तो चलो बाइक चला के देखते हो, बताते हैं आपको इसका रिव्यू कि कैसा होने वाला था। लेट्स कम ऑन टू द शॉट गाइज। सर ने बात कही थी पैडल वाली, वो मैंने लिटरली ट्राई करी उसको, एक्सेलरेटर को ज़्यादा ना चला के मैंने पैडल पे ही ज़्यादा फोकस रखा था, क्योंकि यू नो हम ट्रेडिशनल बच्चे जो भी जितने सब पैडल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए, तो इसमें आपका क्या है बेसिकली? मैंने जब पैडल, अच्छा सर हमारे ठीक है बाइक का सर क्या हाल है आपके? तो सर उसी कंपनी के ओनर, और सर आप बताइए आपकी बाइक किसने बनाई है, इंडियन किस पर्पज से बनाई है? सारी साइकिल डिज़ाइन करी गई है इंडियन कंडीशन को। सबसे पहले ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको सस्पेंशन को ऑप्शन, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन को ऑप्शन, इसमें अडेप्टेबल पावर असिस्ट किया और पेडल असिस्ट। जब आप पेडल करोगे, आपने बाइक राइड करी तो आप आराम से चलोगे तो वो रिस्पॉन्स आराम से देगा। जो मोटर का असिस्ट है, आप थ्रॉटल खोल दीजिए उस हिसाब से आपका या अलग से मैनुअली, बिकॉज आप अभी आराम से चला रहे हो फिर आपको तेज चलाना है, जो मैनुअल असिस्ट है तो वो देर नॉट यूजबल। तो मतलब आप गियर सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं आप, उसके साथ साथ थ्रॉटल भी चेंज। गियर सिस्टम है मैनुअल, थ्रॉटल फुल दिया हुआ है कि आपको नहीं पैडल करना, तो फुल थ्रॉटल जैसे एक बाइक चला रहे हैं वैसे चलाइए। ओके, मतलब ये बाइक का भी एक तरह से फील देगा और आपको बाइसिकल भी फील देगा, तो वेरी गुड प्रोडक्ट है। तो ये पोल्यूशन को बचाने के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि आप बाइक का भी पूरा पूरा फील। सर इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है वैसे? गवर्नमेंट रेगुलेटेड है 25 किलोमीटर, पर इसकी टॉर्क बहुत अच्छी है, तो जो पिकअप अगर आपको अच्छी चाहिए, अगर आप पैडल पर जोर लगाएंगे तो आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स। वेरी गुड, तो मतलब 25 किलोमीटर के लिए बहुत अच्छी रेंज है। तो मस्ट विजिट, अगले साल जब दोबारा फेयर लगेगा आप ज़रूर आना जीके एंटरप्राइज के यहाँ पे आउटलेट पे। तो गाइस तब तक उसके लिए मिलते हैं आपसे और अगले आउटलेट पे चलते हैं, हम देखते हैं अगले आउटलेट में हमें क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं, क्या नई बाइक्स मिलती हैं, क्या उनमें नए फीचर्स मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों ये है मेन अट्रैक्शन ऑफ द फीनिक्स रोलर्स इंडिया एंड अपग्रेड का स्टॉल, और ये मुझे बहुत ही फेवरेट स्टॉल लगा यार। मतलब यहाँ पे जो इनकी रेंज ऑफ बाइसिकल्स हैं, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और इनके लुक्स, डिज़ाइन, मॉडल के अट्रैक्शन, क्या कहूँ यार फीनिक्स यार, मतलब हर चीज़ इतनी स्मूथ है। इनकी बाइसिकल्स मैंने देखी, ट्राई करी, मतलब
ऑब्वियसली ट्राई करने को नहीं दी, बट यार कुछ होता है ना, अपना एक एडवांटेज मिल जाता है अपन लोगों को, तो वही थोड़ा एडवांटेज मिला हमको। और हमने फिनिक्स की बाइसिकल्स भी ट्राई करी, और यार लिटरली मतलब क्या स्मूथनेस है, क्या स्लीकनेस है चलाने में, तो आपका गियर शिफ्टिंग पैटर्न हो या कुछ भी हो, बेसिकली मुझे ये वाला जो आप देख सकते हो एक्ो 6 बहुत ही प्यारा लगा। रेड एंड वाइट में है, ब्लैक का थोड़ा सा क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन आ रहा है, शिमारो के ब्लेक्स लगे हैं इसमें, 21 शिफ्टिंग है मेरे ख्याल से, यहाँ 21 शिफ्टिंग है इसमें, और ये छोटी सी छोटे बच्चों के लिए। बाकी और भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, फैट टायर्स में हो गए, विदाउट गियर हो गए, ये हमारे रेसर्स के लिए, अगर वो 1-2 लाख जैसे कि आग होता है लाइपर की, मैंने भी बताई थी आपको 7 लाख तक की रेंज, आप वो नहीं ले सकते, तो आप फिनिक्स की ले सकते हैं बिगनर, जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24-76 के अराउंड। फिर अगर आप फैट टायर में चाहते हो बिग शार्क टाइप का, थोड़ा ड्यूड टाइप दिखाने के लिए, तो आप जा सकते हो बिग शार्क की तरफ फिनिक्स की, जो कि आपको सेम कॉस्टिंग पड़ेगी इस वाले की जितनी, प्रोफेशनल साइकिल की जितनी, 24,000 अराउंड। मतलब एक बिगनर के लिए एज अ प्रोफेशनलिस्ट, एज अ शो ऑफ, एज अ स्टड, एज अ ट्रैवलर, आपके पास हर तरह का वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए आपको ट्राइसिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ट्राई स्कूटर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मतलब हर एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे भी गिव अप क्या स्लोगन है, और भाई साहब स्टाफ तो मतलब लिटरली बहुत फ्रेंडली है। बाकी आपको अगले ब्लॉग में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है फिनिक्स की तरफ से, वो आपको जल्दी मैं बताऊंगा, अभी तो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इट्स जस्ट क्वाइट ऑफ अ यू नो सरप्राइज रहना चाहिए। अब बाकी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको अगले ब्लॉग में कि फिनिक्स ने क्या एक हमारे साथ कुछ ऐसा करा है। बाकी अगर आप गेस कर सकते हो तो कर लो, जनता जिंदाबाद है, सबको जिंदाबाद है। और ये ड्रेस देख रहे हो यार हमारे ट्रैवलर साहब के, हेलो ट्रैवलर साहब कैसे हैं आप। बाकी भाई का देख रहे हो पूरा सूट देखो यार आप फिनिक्स का, कितना प्यारा लग रहा है, अगर इससे होल्ड आउट के लिए होता पक्का मैं ज़रूर लेता। तो दिस इज़ द फुल्ली प्लास्टिक, बहुत ही बेहतरीन आउटलेट ऑफ फिनिक्स अपग्रेड एंड रोलर इंडिया। सो गाइस दिस इज द ब्लॉग ऑफ टुडे प्रोडक्शन, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे आपको और मिलते रहेंगे ब्लॉग्स इसी तरह से। ध्यान से हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और रैमसन इंटरनेशनल फैक्ट्री अपनी। तो सर अपने बाइसिकल्स के बारे में बताइए, रेंजेस बताइए। और रेंजेस सारे हमारा 11,000 की है फैट बाइक, 20 इंच 10,500 की, बाकी इंडियन साइकिल भी है 2200-2300। तो मतलब एक तरह से आपको यहाँ पे मिडिल क्लास रेंज में बाइसिकल्स मिल सकती हैं गाइस, आप अगर देखना चाहो ये सारी देखो, यहाँ पे फैट टायर्स में भी हैं, छोटे बच्चों के लिए BMXs भी हैं। ये देखो कितनी कूल बाइक लग रही है, इसके रिम्स देखो यार क्या जीजी है यार। हमारी बाइसिकल जिसके बारे में बात कर रहा था मैं कॉन्सेप्ट की, और इसका टायर तुम देख सकते हो कितना मोटा है, डबल डिस्क आ रखी है इसमें, गियर सिस्टम है आई थिंक 17 के सब, आई थिंक 21 गियर्स हैं इसमें। और यार जो बाइक शिमारो के इसमें गियर पैटर्न लगा हुआ है, आओ चलो चलाते हैं अगेन, इसको एक हाथ से ही चलाना पड़ेगा यार। अब इतनी तो पिप पिप देख सकते हैं यहाँ पे, एक हाथ से चलाना पड़ रहा है, पर थोड़ी मुश्किल आ रही है एक हाथ में, पर कोई नहीं, वी विल मैनेज। हम हमारे पाजी से इंस्पायर है, हमारे पाजी हैं देखो हम चल रहे हैं, ये हमारे BMX राइडर थे गाइस जो कल हमारे स्टंट दिखा रहे थे, इनसे हम इंस्पायर हैं इस वाली बाइक साइकिल को चलाना है। भैया बताओ BMX कहते हैं इसको, जो मैं आपको इन्होंने शायद वीडियो बनाई होगी, कल आएंगे, मतलब आज बनेगी वीडियो पूरी, आज पूरा ट्राइपॉड सेटअप होगा, अभी जा रहे हैं ये एक्सपीरियंस जोन में, आज इन्होंने सेटअप सारा रेडी किया हुआ है, तो मिलते हैं। हाँ अभी देखना मेरी कवर खुदेगी वहाँ पर, मैं लेटूंगा और मेरे ऊपर से डेथ सीन होने वाले मेरे साथ। चलो आगे देखना ना भूलिएगा। यस टू अहोय आओ। ओके यो सो गाइस यहाँ पे सारी बाइसिकल्स हैं, ये है हमारा कॉन्सेप्ट का। भैया आए हमें, भैया बताएंगे इसके बारे में, भैया बताओ अपने बाइक्स। ओके तो भैया बताइए आप अपने इस ब्रांड के बारे में कि आपका ब्रांड क्या है, कैसे है। सर हमारा ब्रांड है रैमसन इंटरनेशनल, लुधियाने पे आए हैं जी, सेगमेंट ऑफ अहोय बाइक ऑफिशियल, और यहाँ पे है पूरा सेल्फी बूथ अहोय का। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल बाइक है, और पीछे आपके डेविल के विंग है, मतलब मेरे विंग देख कर यार, यहाँ पे आप फोटो क्लिक कराओ, और ब्यूटीफुल सी मैम है हमारे पीछे जो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे अगर आप सेल्फी क्लिक कराओगे और टैग करोगे @अहोय बाइक्स को। तो मैम मैंने करा तो आप क्या देना चाहोगे। सिंपल थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज ये है हमारे लिए सिपर, देखते हैं खोल के कि कैसा सिपर है। दैट्स वेरी गुड यार,
मतलब क्या यार अच्छा है, मतलब एक साइकिलिस्ट के लिए तो बहुत प्यारा सफर है, आराम से भी। ऊपर आपके लिए बॉल है, पीछे आपके लिए बॉटल है, तो दैट्स अ वेरी गुड फ्रॉम अहोय गुडीज। थैंक यू सो मच अहोय फॉर दिस ब्यूटीफुल गुडीज। एंड बाकी हमारे वरुण भाई ने भी जीत लिया है गिफ्ट। लो जी, वरुण भाई को भी मिल गया हमारे गिफ्ट। और इस तरफ पूरी अहोय का पूरा बाइक्स का पूरा पूरा सारा शोकेस लगा पड़ा है यहाँ पे, आपको टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, हमारे जैसे साइकिलिस्ट के लिए या फिर माउंटेन राइडर्स के लिए भी सारी BMX है, सारी प्रोफेशनल साइकिल्स भी हैं यहाँ पे, या फिर रोड साइकिल्स हो गए। सो मस्ट विजिट अहोय, दैट्स अ वेरी गुड, मस्ट विजिट टू द साइड। सारे साइकिलिस्ट को दिखाते हुए अपने सारे स्टंट्स और व्हीली करते हुए, स्टॉप ही करते हुए, फिर से अगेन पाजी व्हीली करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई को, ये देखो अलग तरह के MTB स्टंट्स करते हुए यहाँ पर। स्पीवो साइकिल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब आउटलेट तो बड़ा चमकता धमकता लग रहा है यार, वाइट पॉलिशिंग है हर जगह, एकदम ब्राइटनेस तो ऐसी पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आ रही है। और साइकिल्स के कलर्स देख के, साइकिल्स के डिज़ाइन देख के भी मतलब कोई कह नहीं सकता यार, कोई ब्रांडेड साइकिल से कम चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो, ये थोड़ा मॉन्स्टर टाइप लुक में है ये चीज़। यहाँ पे देखो डेविल 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 सारे बने पड़े हैं स्कल टाइप में, बहुत ही मतलब पर्सनली मेरी फेवरेट तो हो गई है साइकिल ये। यहाँ पे हेल फायर हैं सारे के सारे, और साइकिल का डिज़ाइन लुक आउट ऑफ रीच है यार। और सो फाइनली द डे इज ओवर गाइज, एंड डेविल इज मूविंग टू इट्स होम। तो चलो चलते हैं अब घर की ओर, यहाँ से एग्जिट करते हैं। और क्यों नहीं मिला डेविल को, मैं एक सिपर मिला, दो सिपर मिले टोटल तो दो ही है। और बाकी और भी गुडीज मिली है सनबर्ड की तरफ से, और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से, हम घर जाके अनबॉक्स करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं घर, और घर पे आपसे मुलाकात करते हैं, और वहीं पे वीडियो को फिर एंड करेंगे। तो बाय बाय गाइस, यहाँ से घर पे। सो फाइनली गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। डेविल आ गए अपने घर पे, देख रहे हो कितने पसीने में सीख कबाब बन के, एकदम रुड़ भुन 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 कर 45 डिग्री टेम्परेचर में प्रगति मैदान से अपने घर आना, मतलब इट्स लाइक हेल यार, मतलब अंगारों में चल कर आए अभी।
पसीना मुंह हाथ धोया, फिर थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो फिर तो ओवर हो गया, अब बात करते हैं कुछ विनिंग प्राइजेस की जो आज डेविल ने आज जीते हैं और आप सबको आज अनबॉक्स करके दिखाएंगे हम वो प्राइजेस जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट डिफरेंट साइकिल इंडस्ट्रीज ने हमें दिए हैं। तो लेट्स सपोज आपने जैसे मेरे देखे थे पुशअप चैलेंज हो गया था, साइकिल चैलेंज हो गया था, उसमें धीरे चलाने वाला था, और भी दो तीन चैलेंज हुए जिनके मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या कुछ सेल्फी कॉन्टेस्ट थे जिनके चक्कर में हमें वो चीज़ मिली, सॉरी फॉर द नॉइस भी थी पहली यार, अब इतना कुछ कर देता कुछ करा नहीं देता। तो चलो सबसे पहले गिफ्ट बॉक्स करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सनबर्ड के, या जो सनबर्ड की राइड हुई थी अगर आपको पता हो तो, वो देखा नहीं था उसमें मैं फर्स्ट आया था, तो सनबर्ड वालों ने मुझे ये बूटी बैग दिया है, सनम इंडस्ट्रीज सब ब्रांड, थैंक यू सन सनबर्ड फॉर दिस। लेकिन की पहली स्लीपर बॉटल मैंने खोल के देख लिया था, मतलब बहुत अच्छी है बॉटल, मतलब साइकिलिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, पानी वानी जाके देख लेते कैसा था, कोई लीकेज वीकेज मतलब अच्छी बॉटल है, आप अपनी साइकिल में लगाओ और वेरी गुड। बाकी ये है एक इनकी बॉटल और एक पाउच मिलता है इसमें, यहाँ पे मिलता है सनबर्ड वालों की तरफ से एक पाउच, जिसमें आपको जो मिलने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है, वो मैं देखना चाहता हूँ। अरे ये चीज़ तो खाली है इसकी बाकी, हो क्या बात है। तो गाइस हमें मिलते हैं कुछ नोट पैड्स, तो हमें मिल रहे हैं नीलम वालों की तरफ से कुछ नोट पैड, जिसमें लिखा है आई डोंट नीड थेरेपी, आई नीड टू गो साइकिलिंग। जी हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है पॉल्यूशन फ्री रहने के लिए, इको स्पोर्ट है पूरा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इको फ्रेंडली है। ये आप नोट पैड देख सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन लिखो, डेली साइकिलिंग वर्कआउट्स न्यूट्रिएंट्स सब कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं इनके, चार नोट बुक मुझे मिल चुकी है, दो भी बहुत सारे गुडीज हैं, पेन मिले हैं, तीन पेन के सेट मिले हैं, कलर बहुत वाइब्रेंट है इनके, बहुत ही अच्छे कलर हैं, अट्रैक्टिव है, थैंक यू सनबर्न फॉर दिस अगेन। और बाकी देखते हैं आगे, बाकी कीचेन मिली है कुछ इनके इसमें नहीं है, और कीचेन भी अच्छे हैं, बहुत ही फ्लिपी राउंड है, देख सकते हैं कीचेन मिले हैं सनबर्न वालों की तरफ से, थैंक यू सनबर्न फॉर दिस ऑल गुडीज। ये मैंने जीता था वो जो पुशअप चैलेंज हुआ था उसके लिए, दिस गिफ्ट था पुशअप वाले के लिए, तो चॉकलेट मिली थी एक, तो उसके बाद मुझे ये दिया था। बाकी जो लास्ट राइड हुई थी ना, बीच में सबसे धीरे चला था, मेरा पैर नीचे गिर गया था, तो उसकी गुडी ये मिली थी। बाकी नेक्स्ट आता है अहोय की तरफ से, अहोय ब्रांड जिसका हमने कवर करा था, और उसमें से हमें एक और सिल्वर बॉटल मिलता है, ये फास्ट सेल्फी कॉन्टेस्ट वाला सेल्फी की जो आपको मिलेगा, ये सिल्वर बॉटल मिला है हमको, जो बहुत ही हैवी है, इसका प्लास्टिक भी अच्छा है ऊपर, मतलब प्लास्टिक बहुत टफ है, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, अंदर वही ब्रांड होगा सारा ही सब कुछ खाने में हो सकता। बाकी अहोय बाइक, थैंक यू सो मच अहोय, चलो कोई नहीं, बाकी देख लिया, बाकी बैटिंग अहोय राइडिंग सब कुछ लेंगे, सो अहोय बाइक्स थैंक यू अहोय। ये है और फिर आपका आ जाता है अगेन अहोय अनदर पेपर भी वेरियंट है इसका, बहुत अच्छा ब्लैक एंड ऑरेंज का बास्केटबॉल है वो आपका मेरे ख्याल से गॉल्फ बॉल की, जी हाँ गॉल्फ बॉल की, ये इसका ये है अहोय बाइक्स सुपर मॉडल अगेन, थैंक यू सो मच अहोय फॉर दिस अहोय अहोय। And the last one is we go through this, और एक गुडी बैग मिला है हमें ईको बाइक की तरफ से, जो जी के इंडस्ट्री है, जी हाँ जी के इंडस्ट्री है ईको बाइक्स, जो भी मैंने दिखाया था कोई साइकिल ब्लॉग दिखाया था, तो इसमें चलिए देखते हैं गुडी बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें जी ब्रोशर्स मिल जाते हैं जी के की, क्या कौन कौन सी बाइक्स हैं देख सकते हो आप, मतलब कौन कौन से बैटरी वाली बाइक्स हैं और ईको फ्रेंडली बाइक्स हैं, और सबकी रेंजेस हैं हाल फिलहाल 20-25 हज़ार की भी यार, ऑब्वियसली बाइक है बैटरी बाइक है तो बड़ा बनता है इतना तो प्राइस के। बाकी अगेन एक ब्रोशर है, ये है जीके की रिक्शा की बैटरीज, दैन मोटर्स फॉर ई रिक्शा, होटल फॉर ई रिक्शा, साइकिल मोटर हब, एंड इन्वर्टर बैटरीज वगैरह वगैरह वगैरह, और भी थोड़ा पेपर वर्क है, एंड देयर अच्छा ये कार्ड है जीके इंडस्ट्री का, जी हाँ गाइस आप देख सकते हो राजेश एंटरप्राइज का एक कार्ड है, थैंक यू सो मच राजेश एंटरप्राइज फॉर दिस थिंग, तो नीचे कितने और ये बाकी उन्होंने हमें नोट पैड्स दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच नोट पैड दिए, मतलब बहुत अच्छी लेंथ के नोट पैड हैं, आप इसका तैयारी मेरी किधर जरा मैंने पलटूंगा, ये नोट पैड दिए हैं उन्होंने कुछ इस तरह, थैंक यू सो मच जीके इंडस्ट्रीज एंड जीके बाइक्स एंड राजेश इंडस्ट्रीज फॉर दिस, ये बहुत अरे बढ़िया होता है, मतलब बिल बुक टाइम के लिए आपके है, जैसे बिल बुक है आपके लिए,
हमारे पास अभी फिलहाल एक चीज़ का बुरा मत मानना क्योंकि यार वो ज़रा गिर गई तो उसका बॉटल वो गिर गया नहीं तो मैं आपका खोल के दिखा दूँ तो क्या क्या है। तो थैंक यू ऑल साइकिल इंडस्ट्रीज फॉर दिस थिंग, आई रियली अप्रिशिएट अहोय सनबर्ड जी के, और वहाँ पे A1 भी लगा था, लाइफ वेयर, राहल राले, सन क्रॉस, मम्बा रैमले, साइपन, फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज जितने भी थे हमारे पास। ये है मेरा पूरा गुडी कलेक्शन जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जीके इंडस्ट्री का, सनक्रॉस का, सॉरी सनबर्ड का और सनराइड, बाकी आपका यहाँ पर आ रहा था सनराइड का, अहोइक्स के एंड सनबर्ड अगेन, थैंक यू सो मच, एंड समथिंग लाइक बिखरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉग को करते हैं ना, आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, अब एडिटिंग पता नहीं 15-20 मिनट का हो जाएगा, पर आपको पता तभी चलेगा जब अपलोड हो जाएगा। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और ये साइकिल फेयर बहुत अच्छा था। अब इसके अगले जो वीडियो आने वाली है वो थोड़ी सस्पेंस भरी होगी, क्योंकि उसमें मैंने जैसा आपको बताया फीनिक्स वालों की तरफ से कुछ है झोला, और मेरी तरफ से भी आपको सरप्राइज़ है, तो वो हम आपको जल्दी बताएंगे। सब जो चीज़ है एक सक्सेस है तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे ही अपने डेविल के लिए, तुमने जो सपोर्ट करा उससे चक्कर में एक 1.8K सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूबर को ये चीज़ मिल गई है सिर्फ आप लोगों के चक्कर में। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और चलते हैं बताएंगे आपको सस्पेंस अगली वीडियो में। तो गाइस होप यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट कि आपको क्या इसमें कमियां लगी, क्या अच्छा लगा और क्या करना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने थोड़े टाइमलेस भी डाले हैं जो ऐड करे हैं अपनी तरफ से, थोड़े शॉर्ट्स भी लिए हैं सिनेमैटिक। तो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, इट्स अ डेविल प्रोडक्शन, होप यू गाइस वॉच इट अगेन।